My name is Amna. I'm a final year veterinary student, and in this video, I am completely going to talk about SPSC, which stands for Sindh Public Service Commission. तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका अलग अलग इदारे होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि जॉब्स को अनाउंस कर रही होती हैं, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा का है खैबर के पी एस सी है, फेडरल का है एफ पी एस सी है, पंजाब का है पी पी एस सी है. तो इस तरीके से हर गवर्नमेंट की अपने ही गवर्नमेंट के जो है इदारे होते हैं जो कि जॉब्स को अनाउंस कर रहे होते हैं. तो सिंध की बात करें तो सिंध के अंदर एस पी एस सी का है इदारा जो कि जॉब्स को अनाउंस कर रहा होता है एजुकेशन के अंदर, टीचर्स के अंदर. इसके अलावा कई अलग अलग तरीके की जॉब्स होती हैं जो कि जहाँ पर भी वैकेंसीज होती हैं वो अनाउंस कर रहा होता है. तो जो है हमारे पास एस पी एस सी ने अभी जो है कुछ जॉब्स अनाउंस की हैं, एस एस टी की भी की है, जो कि टीचर्स की भी की हैं, ठीक है, सीनियर स्पेशलिस्ट टीचर की भी की हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स की भी, उसके साथ साथ बी यू की है वेटनरी ऑफिसर्स की. इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ. तो आज मैंने ये बात करनी है कि टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, जो है इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो रखने की ये है, यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है रिटन टेस्ट, दूसरा होता है इंटरव्यू. ठीक है, दोनों ही अलग अलग होते हैं. आपका जो इंटरव्यू होता है, आपके इंटरव्यू में आपके जीके के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वर्ल्ड नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको किसी भी मैप का नक्शा, मतलब कोई भी कंट्री का कैपिटल पूछ सकते हैं, जो है ज्योग्राफी से बात कर सकते हैं. ठीक है, जिस प्रोविंस में रहते हो सिंध के अंदर उसके बारे में आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस वो कर सकते हैं. इसके अलावा आपकी जो अगर फॉर एग्जांपल आपने डीवीएम किया हुआ उसके बाद आप एमफिल भी कर रहे हो, तो एमफिल आप किसके अंदर कर रहे हो उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसके अंदर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस वो कर सकते हैं. तो आपको पता है इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उसके अंदर क्विक एंड शार्प रिस्पॉन्स देना होता है, आपको उसी वक्त जो पूछ रहा है बंदा उसी वक्त आपको रिस्पॉन्स करना होता है. तो उस तरीके से थोड़ा सा जो है इंटरव्यू ट्रिकी होता है बिकॉज यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन अ स्पॉट. वाइल रिटन टेस्ट की बात करूँ, आपकी प्रिपरेशन उसके लिए चल रही होती है, जैसे आप डीवीएम कर रहे हो तो 5 साल आपका तजुर्बा होता है, आपको वावा भी होता है जाहिर है, तो वावा के अंदर भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है. ठीक है, तो रिटन टेस्ट के अंदर आता क्या है, ये डिग्री जो आपने पढ़ा है 5 सालों के अंदर आपके पास नोट्स हैं सब कुछ पढ़ डालिए, उसके अलावा भी मार्केट के अंदर बुक्स होते हैं अवेलेबल, रिफ्रेशर का है, पीसीएस का है, वेट स्कैन का है, तो डिफरेंट बुक्स हैं. इसके ऊपर भी मैं डिटेल के अंदर वीडियो अलग से बनाऊंगी कि कौन से बुक्स अवेलेबल हैं. मगर जो स्टूडेंट्स हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो है बेस्ट बुक जो है, या हम कहते हैं कि पढ़ना तो सब कुछ चाहिए, वैसे रिफ्रेशर से क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएस से भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, वेट स्किन से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, राइट. और ये थोड़ा सा तवील प्रोसेस भी होता है, टेस्ट देने के बाद कुछ वक्त छोड़ती है, उसके बाद टेस्ट चेक होते हैं, फिर जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर उसके बाद जॉब्स अनाउंस होती हैं, जॉब्स के अंदर जाते हैं, फिर प्रोबेशन पीरियड होता है, आपके पास कुछ टाइम काम करने के लिए होता है, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता, वो प्रोबेशन पीरियड पास करने के बाद फिर जो है आपको फिर सैलरी मिलना स्टार्ट. बहुत ही जो है मुश्किल ये जो है फेज होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप 5 साल एक पढ़ो उसके बाद भी आप तैयारी करो, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार हो गया आपका, उसके बाद भी आप पैसे ना कमा सको, तो ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट पीरियड है. हालांकि ये तो प्रोबेशन पीरियड वाला तो होता है जो हमारे पास प्राइवेट जॉब्स है उसमें तो चलता है, मगर ये गवर्नमेंट के अंदर भी चलता है. तो बहरहाल ये हर जगह होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स भी अपॉइंट होते हैं तो शुरू में उनका प्रोबेशन पीरियड होता है, सिर्फ 3 महीने नहीं बल्कि साल साल तक उनका प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद जाके उनको जो है सैलरीज जो है प्रोवाइड की जाती है. तो बहरहाल ये गवर्नमेंट के जो जॉब्स है ना बहुत ही ईजी नहीं है हासिल करना, बहुत मुश्किल होता है. इसमें यही है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो बहरहाल हम कोशिश तो करते रहेंगे अपनी कुछ ना कुछ पाने की, कुछ ना कुछ हासिल करने की. तो आप डिसहर्ट मत होइएगा, अपनी कोशिश जो है मेहनत जारी रखिएगा, और इस चीज़ बेस्ट पॉलिसी और उसके बगैर जो है बहुत कुछ मिल जाता है ऑनेस्टी के बगैर. बहरहाल आई एम जस्ट टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट कि इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, इतना ईजी नहीं होता, इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है. पेपर के अंदर जो है आपका जो पेपर होता है रिटन, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है. इसके अलावा इसका जो पैटर्न है वो एस पी एस सी टेस्ट से 2-3 हफ्ते पहले डिसाइड करके बताती है कि आपका टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, वेदर इट विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप और वेदर इट विल बी एम सी क्यूज टाइप.
एमसीक्यूज हो गए या डिस्क्रिप्टिव होगा ये आपको एसपीसी खुद बताती है, पैटर्न टेस्ट से कुछ हफ्ते पहले बता देती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव भी आपने उसके ऊपर भी तैयारी करनी है, ताकि आप अपने ऐसे को तैयारी करना है ताकि आप वहां पे लिख सको, आपके एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। जब इंटरव्यू की तैयारी करते हो तो आपको डेली बेसिस पर डांट पढ़ना है, वहां पे जो भी करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड की नॉलेज है, जो भी है आपने एक्सट्रैक्ट करके लिखते रहना है, उसको पढ़ते रहना है, उसको समझते रहना है। तो इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है, बाकी रिटन तो आप 5 साल पढ़ते रहते हो, उसकी अब तैयारी हो भी जाती है फिर भी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज 100 है तो उसमें 90% आपका डीवीएम का ही आता है, 10% जो है इंग्लिश इस्लामियात और जीके वगैरह उसके उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, 10 to 20% होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन इज फ्रॉम द डीवीएम साइड जो कि आप पढ़ रहे होते हो। अच्छा, डीवीएम साइड के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपने तैयारी करनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिसिन, मेडिसिन के बाद रिप्रोडक्शन है, सर्जरी है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स आती हैं वो है हमारे पास एपीटी है, पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक है, न्यूट्रिशन है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स आती हैं वो हमारे पास फार्माकोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, पैथोलॉजी है कुछ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपने जो आप पढ़ा है डीवीएम के अंदर उसमें से आपने तैयारी करनी है, नोट्स को रिवाइज करना है, बुक्स को पढ़ना है, बुक्स को साथ लेते चलना है, डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल बनाना है, उसके ऊपर आपने चलते रहना है, एंड देन जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा टारगेट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप 5 साल पढ़ते हो, फिर जॉब्स अनाउंस होती हैं, आप जॉब्स में बैठते हो, रिटेन क्वालिफाई करते हो, फिर इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हो, तो आपको जॉब्स कौन सी मिलेगी? तो वेटनरी ऑफिसर्स की जॉब्स मुख्तलिफ होते हैं, वो आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर भी दे सकते हैं, या किसी कोई जो है ऑफिस वर्क भी दे सकते हैं। ऑफिस वर्क डिफरेंट होते हैं, जिसके अंदर एक्सेल के अंदर काम होता है। आजकल तो आपको पता है जो भी हमारे पास रजिस्ट्री होती है या हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो सारी कंप्यूटर्स के अंदर सेव होती है, एक्सेल का काम होता है, तो वो भी जो है दिया जाता है वेटनरी ऑफिसर्स को। इसके अलावा वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट के अंदर भी और सीबीडीएल के अंदर भी, तो डिफरेंट इदारे होते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज होती है, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स भी होती है, वहां पर भी आपको अपॉइंट कर सकते हैं आपको। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स, वहां पे आपको वेटनरी ऑफिसर वो अपॉइंट करते हैं, और आपकी जो सैलरी होती है शुरू के अंदर BPS 17 के मुताबिक आपकी 60+ होती है, 60 से ज्यादा आपको सैलरी दी जाती है, यू नो इट इज क्वाइट गुड, बट गवर्नमेंट को अभी भी थोड़ी सी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, आई थिंक के क्योंकि 5 साल पढ़ते हैं उसके बाद भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा होता ना, फिर डिसहर्ट हो जाता है बंदा। तो बहरहाल होप कि हम अपने लिए खुद कुछ कर सकें, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट के अंदर इतनी सहूलियात मौजूद है, हम कुछ भी घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, अपना नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड पीपल डू दैट थिंग ऑल्सो उसके साथ साथ। तो दुआ में याद रखिएगा, आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।